वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इकलकेटिंग वैल्यूज़ यानी कि क्या रोल रहता है फैमिली का सोसाइटी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का इन इनकलकेटिंग वैल्यूज तो सबसे पहले बात करेंगे फैमिली से फैमिली से बच्चा किस तरीके से या फिर किस तरीके से कौन कौन सी वैल्यूज़ को एक्वायर करता है फैमिली से क्यों एक्वायर करता है बिकॉज़ फैमिली इज़ द फर्स्ट एंड मेजर एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड एंड इट प्लेज अ की रोल इन सेटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल क्योंकि जब बच्चा सबसे पहले किसी से इंट्रैक्शन करता है तो वो उसकी फैमिली होती है और जैसा जैसा उसकी फैमिली में होता है या फिर जैसा वो फैमिली में देखता है होते हुए उस तरीके की वैल्यूज ही वो एक्वायर करता है अब जैसे कैसी कैसी वैल्यूज़ वो एक्वायर कर सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल लव जैसी वैल्यू फैमिली से एक्वायर कर सकता है जब वो अपनी फैमिली में देखता है कि सब बहुत अच्छे से रहते हैं सब एक दूसरे को साथ सपोर्ट करते हैं सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो वो लव जैसी वैल्यूज़ को घर से देख सकता है जब मदर अनकंडीशनल केयर करती है तो वो एक चाइल्ड लर्न करता है अपनी फैमिली से अपनी मदर से फिर कलेक्टिविज़म फैमिली से सीख सकता है जैसे अगर आप एग्ज़ाम्पल लो कि अगर आपको कोई बहुत अच्छी चीज़ पसंद आती है बचपन का अगर एग्ज़ाम्पल लो फॉर एग्जाम्पल कोई टॉय आपको बहुत पसंद है लेकिन वो बहुत कॉस्टली है लेकिन फिर आप जब ये समझते हो कि आपकी फैमिली इसको अफोर्ड नहीं कर सकती तो आप अपनी विशिश को छोड़ देते हो तो ये क्या सिखाता है कि आप सेक्रीफाइस करते हो इंडिविजुअल ड्रीम्स को इंडिविजुअल विशिज़ को फॉर कलेक्टिव इंटरेस्ट ताकि पूरी फैमिली के लिए सही रहे ऐसा ना हो कि एकदम से अगर आप जिद करने लग जाएँ उस चीज़ के लिए और फिर पूरी की पूरी फैमिली पूरा मंथ सफ़र करे आपकी एक विश पूरी करने के लिए तो कलेक्टिविज़्म सीखते हैं फैमिली से फिर पावर ऑफ यूनिटी सीखते हैं कि कैसे एक साथ रहने से कैसे स्ट्रांगनेस मिलती है तो पावर ऑफ यूनिटी आप फैमिली से सीखते हैं फिर लॉयलिटी कैसे आप अपनी ब्रदर के प्रति अपने बहन के प्रति अपने मम्मी पापा के प्रति कैसे आप लॉयल रहते हैं या फिर आपके पेरेंट्स एक दूसरे के प्रति कैसे लॉयल रहते हैं तो एक दूसरे से जब हम सीखते हैं तो फैमिली से लॉयलिटी भी सीखी जा सकती है जेंडर इक्वलिटी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच अ चाइल्ड कैन लर्न फ्रॉम देयर फैमिली बिकॉज जब कभी कभी घरों में क्या होता हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से देख नहीं पाते कि कब हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर घर में कोई बहुत अच्छी चीज़ है या फिर दूध है या फिर घी है तो हमेशा क्या होता है कि भाइयों को ज़्यादा प्योरिटी दी जाती है और बहन को भी इस तरीके से कंडीशन कर दिया जाता है कि ले भाई तुम ही खाओ या फिर आप ही खाओ तो ये क्या होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट होता है जो दिखाई नहीं दे रहा होता और धीरे धीरे ये क्या होता है बच्चों के अंदर इकलकेट हो जाता है और फिर ये जाके जब सोसाइटी के लेवल पे जाता है तो फिर वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत अच्छे से दिखाई देने लग जाता है सो दिस इज हाउ जेंडर इक्वलिटी भी फैमिली से सीखते हैं अगर दोनों को आपके फैमिली के अंदर इक्वली ट्रीट किया जाता है चाहे भाई हो चाहे बहन हो तो जेंडर इक्वलिटी आप फिर एक्वायर करते हो फ्रॉम योर फैमिली अगर आपके फादर आपकी मम्मी को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं रिस्पेक्ट देते हैं तो फिर जेंडर इक्वलिटी वाली बात आप अपनी फैमिली से कंटिन्यू करते हो फिर आप सोसाइटी में उस तरीके से ही गर्ल्स और वुमेन को ट्रीट करते हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप अपनी फैमिली से एक्वायर कर सकते हो इसके बाद हम बात करेंगे कि सोसाइटी से आप कैसे कौन कौन सी वैल्यूज़ एक्वायर कर सकते हो सोसाइटी में इंक्लूड होते हैं आपके फ्रेंड्स कलीग्स नेबर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा तो ऑल आर इंपॉर्टेंट एजेंट्स टू इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल ये सभी इंपॉर्टेंट एजेंट्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल को अब कैसी कैसी वैल्यूज आप एक्वायर करते हैं सोसाइटी से ऑनेस्टी अकाउंटेबिलिटी टॉलरेंस फ्रेटर्निटी डी डेमोक्रेसी लिबर्टी सेक्युलरिज्म रेस्पॉसिबिलिटी सेक्युलरिज्म कैसे एक्वायर करोगे आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है different, different लेकिन सभी को रेस्पेक्ट करनी चाहिए तो सोसाइटी से ही लर्न होगा डेमोक्रेसी की वैल्यू सोसाइटी से ही लर्न होगी फ्रैटर्निटी है टॉलरेंस है तो ये सब सोसाइटी से ही आप एक्वायर कर सकते हो हाँ फैमिली से भी टॉलरेंस एक्वायर कर सकते हैं लेकिन सोसाइटी से भी कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो या गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को देखते हो तो अकाउंटेबिलिटी सीखी जाती है ऑनेस्टी फिर आप जब कहीं पर बिजनेस पर्पज़ में हो या फिर कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्टफुल और करप्शन ना करने की हिदायत दी जाती हो तो आप ऑनेस्टी फिर उस तरीके से सीखते हो रिपॉन्सिबिलिटी सीखते हो जब सोसाइटी और समाज आपको ज़िम्मेदारियाँ देता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको रिस्पॉसिबिलिटी देती है तो आप सोसाइटी से ये सब सीख सकते हो इसके बाद हम बात करेंगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किस तरीके से आपको वैल्यूज़ दे सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के बच्चे आते हैं करिकुलम सीखते हैं करिकुलम की वजह से आप वैल्यूज़ एक्वायर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं जब आपको रिस्पॉसिबिलिटी दी जाती है स्कूल में अगर कोई फंक्शन फेस्ट हो आपको नॉलेज होती है अबाउट द वर्ल्ड एंड इट्स हिस्ट्री ड्यू टू तो विच नंबर ऑफ वैल्यूज़ वन कैन एक्वायर जैसे कि डिसिप्लिन पंचुअलिटी आप ये सोसाइटी में भी सीख सकते हो सीख सकते हो लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ज़्यादा योगदान होता है डिसिप्लिन और पंक्चुअल बनाने में किसी भी इंडिविजुअल को लीडरशिप का रोल निभाने में जैसे मॉनिटर बना देते हैं या फिर और भी किसी भी गेम्स में लीडर जब कैप्टन बना देते हैं तो ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आता है वर्क परजीवरेंस होमवर्क मिलता है परजीवरेंस साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जब आप पढ़ते हो पॉलिटिक बुक्स में तो ये सारी वैल्यूज़ फॉलोइंग रूल ऑफ लॉ किन किन चीज़ों का पालन करना है किसका नहीं करना है तो यू गेट टू नो सेवरल वैल्यूज़ फ्राम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज वेल तो ये था कि इन तीनों से हम किस किस तरीके से कौन कौन सी वैल्यूज़ एक्वायर कर लेते हैं अब इसके बाद एक छोटा सा डायग्राम था जो मुझे एक्सप्लेन करना था ये मैंने किसी बच्चे के नोट में देखा था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा सो आई यूज इट आपको अच्छा लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज़ यू कैन लीव इट ये बात करता है कि कैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इम्पार्ट करते हैं वैल्यूज़ को दो ही मोड होते हैं उनके पास या तो टीचर के थ्रू या फिर उनके करिकुलम के थ्रू अब एक जापानीज सेइंग कहती है अ ग्रेट टीचर हमेशा आपको इंस्पायर करता है और इंस्पायर करने के लिए किसी को भी आपको पहले खुद मोल्ड होना पड़ता है यहाँ पे मोल्ड एम ओ यू एल डी है एक्चुअली जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ना तो ये रफ कॉपी जो मेरे रफ नोट्स हैं ना जो एक्चुअल में जिनको मैं यूज़ करता हूँ फॉर मीन्स उन्हीं में से पढ़ा रहा हूँ तो उनमें क्या था ड्यू टू टाइम कंसटेंट मैंने बहुत ही रफली लिखा था, लिखा था सारी चीज़ों को ताकि जल्दी जल्दी मैं कवर कर लूँ तो इस वजह से थोड़ा आपको राइटिंग में इशू आ सकता है बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स तो डोंट वरी अबाउट एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पर उन्होंने जो डायग्राम यूज़ किया था वो डाइ वो डायग्राम था ये इस डायग्राम के अंदर वो समझा रहे उन्होंने समझाया कि अकॉर्डिंग टू जैपनीज सिंग है ये डायग्राम जो रिप्रेजेंट करता है जैपनीज सिंग क्या कहती है कि किस किस तरीके के टीचर होते हैं एक टीचर वो होता है जो आपको सिर्फ बताता है टेल करता है दूसरा जो टीच करता है जो आपको थोड़ा सा समझा देता है फिर उसके बाद एक टीचर वो होता है जो आपको एक्सप्लेन भी करता है समझाने के बाद और एक टीचर वो होता है जो आपको डेमानस्ट्रेट करता है डेमानस्ट्रेट यानी कि एग्जाम्पल्स वगैरह देके समझाता है और एक वो होता है जो आपको इंस्पायर करता है तो लर्नेबिलिटी जो होगी सबसे ज़्यादा होगी जब आपको कोई इंस्पायर करता है तभी बच्चा ज़्यादा सीख सकता है जब अगर टीचर इंस्पायर करता हो और इंस्पायर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टीचर को पहले खुद उस लेवल पे जाना पड़ेगा जो बात वो समझाना चाह रहा होता है बच्चों से तभी जाके वो वो बच्चों को कुछ समझा सकता है यानी को यानी कि पहले उसको खुद की पर्सनैलिटी ऐसी करनी पड़ेगी खुद को ऐसा मोल्ड करना पड़ेगा ताकि वो बच्चों को समझा सके वही एग्जाम्पल अगर याद करें गांधी जी वाला गांधी जी से रिलेटेड या फिर पता नहीं किसी और पर्सनलिटी से बट पॉपुलरली गांधी जी की रेस्पेक्ट में इसको बोला जाता है कि एक बच्चा और एक माँ गांधी जी के पास आते हैं और उसकी मम्मी गांधी जी से कहती है कि गांधी जी आप इन बच्चे को समझाएँ कि मीठा खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है तो गांधी जी कहते हैं ठीक है आप एक महीने बाद आना तो उसकी मदर उस बच्चे को लेकर चली जाती हैं और एक महीने बाद वापस आती हैं तो गांधी जी उस बच्चे को कहते हैं कि बेटा मीठा नहीं खाना चाहिए तो मदर को बहुत हैरानी होती है कि आप इस बात को एक महीने पहले भी तो कह सकते थे लेकिन गांधी जी वहाँ पर कहते हैं कि एक महीने पहले मैं खुद मीठा खाया करता था तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले उन्होंने उन्होंने खुद को अपने आप को ऐसा किया कि वो मीठा छोड़ पाएँ और तभी जब उन्होंने छोड़ दिया मीठा तो उन्होंने खुद को कंट्रोल कर लिया मीठा खाने से उसके बाद ही उन्होंने उस बच्चे को स्टेटमेंट कहा तो यानी कि पहले खुद को मोल्ड किया उसके बाद उसको समझाया तभी उसके बाद वो बच्चा सीख सकता है अकॉर्डिंग टू दिस चैपनीज सिंग कि पहले आपको खुद मोल्ड होना पड़ेगा उस लेवल पे खुद को पहुंचाना पड़ेगा तब जाके ही बच्चा सीख सकता है तो यानी कि एक अच्छा टीचर वो होता है जो आपको इंस्पायर कर सके तो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज थिंग्स यहाँ पे हमारा वैल्यूज़ का जो सेक्शन है सेगमेंट है जो सिलेबस के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी लगभग ख़त्म हो चुका है इसके बाद एक और लेक्चर वैल्यू से रिलेटेड है बट वो थोड़ा सा पब्लिक सर्विस पब्लिक इंटरेस्ट इन सब चीज़ों से भी रिलेटेड है उसके अंदर बस हम नौलान कमेटी की बात करेंगे तो उसके अंदर थोड़ी सी वैल्यूज़ आती हैं दैट्स वाई उसको भी हम एक तरीके से वैल्यूज़ वाले सेक्शन का पार्ट ही मानेंगे तो यानी कि इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा वैल्यूज़ वाला सेगमेंट सारा कम्प्लीट हो जाएगा और हमारा सिलेबस भी लगभग सिक्सटी परसेंट सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट कम्प्लीट हो चुका होगा सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर टेक केयर हैव अ नाइस डे सी यू सोन इन द नेक्स्ट लेक्चर